ये स्थान किसी भी दुनिया के कोने में नहीं होगा। कोई गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी जिंदगी भी अच्छी चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जाने वाले अपने गांव के काली माता के मंदिर के पास पूजा करने। देख सकते हो पूजा पाठ का सामान ये रहा। फिलहाल अभी देख सकते हो मैं अपने घर के गली में खड़ा हूँ। और एक जगह और मैं आपको लेके जाऊंगा, एक बाबा का स्थान है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि वो जगह दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकेगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अभी मैं वहाँ पे ले चलूंगा, फिर आप लोग उस जगह को देखना और फील करना उस जगह को। बस बने रहे वीडियो के लास्ट तक। पूरा काली माता का मंदिर तो फाइनली अभी हम अपने गांव के मेन रोड पे आ चुके हैं। हमारे गांव का मेन रोड है ये भांडपाड़ टू सलेमपुर वाला रास्ता है, देख सकते हो। अभी देख सकते हो सामने काली माता का मंदिर हो रहा, तो चलते हैं काली माता के मंदिर के पास और प्रसाद दूर साथ चढ़ाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी काली माता के मंदिर से हमने पूजा पाठ कर लिया है। अब चलेंगे उस स्थान पर जिस स्थान के बारे में आप सभी से मैं बता रहा था कि दुनिया के आपको किसी भी कोने में ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। चलो अब वहाँ पे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि आप लोग मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे। तो चलो अभी वहाँ पे चलते हैं और पूजा पाठ वहाँ पे करते हैं, फिर मैं उस जगह को दिखाऊंगा। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो फाइनली गाइस देख सकते हो पीछे से हमने मेन रोड से नीचे हम लोग उतर गए, क्योंकि हमें खेतों से ही होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से कोई रोड नहीं है। खेतों से ही होकर जाना पड़ेगा और इधर आगे जाने पे आपको पूरा जंगल वाला एडवेंचर फील होगा। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा, हर एक चीज तो नहीं लेकिन अभी जो मैंने बोला जंगल वाला एडवेंचर फील होगा। तो अभी आगे चलेंगे हम लोग, तो पूरा इधर जंगल वाला एडवेंचर फील होगा। तो बने रहें वीडियो का लास्ट तक आप लोग। तो अभी इसके अंदर आपको पूरा जंगल वाला एडवेंचर फील हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इधर जंगल ही जंगल है। और अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इससे भी बड़ा जंगल मिलेगा आपको, देख सकते हो पूरा सामने, पूरा इधर आपको जंगल वाला ही एडवेंचर फील होगा। अभी चलते चलते हम लोग काफी दूर आ गए हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पे बाबा का स्थान है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देख सकते हो उस पीपल के पेड़ के पास बाबा का स्थान है। अभी पास से चलेंगे तो दिखाएंगे हम आपको अच्छे तरीके से। तो फाइनली गाइस हम अभी उस बाबा के स्थान पे आ गए हैं। जिस बाबा के स्थान को मैं बता रहा था कि यह स्थान किसी भी दुनिया के कोने में नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सारा चीज प्रकृति का दिया हुआ है। देख सकते हो आप लोग ये नदी, गंगा, नीर सरोवर जो प्राकृतिक का दिया हुआ है। पीछे पीपल का पेड़ देख सकती हो, भी प्राकृतिक का दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी बनावटी वाला चीज नहीं है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे प्राकृतिक का दिया हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा जगह आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं पास से चल के आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। Thank you.
फाइनली गाइस अभी हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और आपके यहाँ के यहाँ के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा मैं। यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे दुनिया का हर वो टेंशन, हर वो तकलीफ, हर वो दुख आप भूल जाओगे यहाँ पे आने के बाद से। और यहाँ पे ऐसा हवा लगता है आप 24 आवर्स यहाँ पे स्पेंड करोगे तो भी आपको थोड़ा सा भी इतना गर्मी नहीं होगा, क्योंकि सामने नीचे गंगा माता बह रही है और ऊपर बाबा का स्थान है। तो मैं जाते अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करता हूँ। मैं 24 आवर्स में 5 से 6 घंटे यहाँ पे स्पेंड जरूर करता हूँ डेली, रोज के रोज, जब मैं मेरे पास कोई काम नहीं होता है तब, वरना तो अगर काम रहता है तो फिर मैं यहाँ पे आ नहीं पाता। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई भी मन्नत आप मांगते हैं एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है, और इसी वजह से यहाँ पे बराबर भीड़ लगा रहता है। तो बस सब बाबा का पूजा पाठ करते हैं और इस स्थान को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपने स्टाइल में दिखाता हूँ और यहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको और बताता हूँ मैं। ये गंगा माता बह रही है और यहाँ से बच्चे कूद कूद के नहाते हैं इस गंगा के अंदर, देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि काफी पानी नीचे बह रहा है, ऊपर बह रहा है, लेकिन जब अभी वहां पे मैं थोड़ा सा क्लोज जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। I'm the rock.